असम व्यूर्स माई नाम रिजवान चीमा वेलकम बैक इन दर वीडियो दिस वीडियो इज अबाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी थ्री गुड न्यूज़ इज अबाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसके वाले से मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट की थी जिसमें मैंने तीन चीज़ें बताई थी नंबर वन के लाहौर स्मार्ट सिटी का जीटो रोड पर जो अप्रूवल आया उसके वाले से मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सेकंड इज़ के जो स्मार्ट सिटी के एन ओ सी में एक्सटेंशन हुआ है और उसके बाद स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट बन गया है जिसमें पहले अप्रूव्ड एरिया था सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव कनाल और आज की डेट में इसमें जो एक्सटेंशन हुई है वो सत्रह हज़ार छः सौ दो कनाल की है बट तीसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो इन दोनों न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्मार्ट सिटी का जो मोटरवे पे इंटरचेंज का अप्रूवल है आज की इस वीडियो में जो एक्चुअल लेटर है मैं वो शेयर करूंगा बट बिफोर गोइंग टू द डिटेल सबसे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ ये जो लेटर है मुझे अब रिसीव हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट माई इंपॉर्टेंट क्लाइंट जिन्होंने स्मार्ट सिटी के हवाले से एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट पुट की थी शरियार भाई फ्रॉम यू आई केप्ट ऑन रिपीटिंग इज़ नेम बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने एक टेन पाउंडस की फीस पे करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें वो एन ओ सी हासिल करके जो एन ओ सी की एक पिक्चर थी यानी एन ओ सी का जो लेटर था वो मुझे दिया तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम बल्कि इनफैक्ट ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानी शुड भी थैंकफुल टू हिम कि जिन्होंने वो लेटर सेंड किया और उसमें वीडियो बना रहा हूँ बट मैं बिफोर गोइंग टू द डिटेल सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है क्योंकि उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट इस सक्सेसफुल स्टेज पे आज की डेट में स्टैंड करता है मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो 2021 ट्वेंटी का जो टू बजट है उसकी स्पीच सुन रहा था पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शोक तरीन और उस फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो बड़ी दिल को लगी मेरे बात वो बात ये थी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ओवरसीज़ रेमिटेंस हैं जो टू में फॉल करते थे नाइन बिलियन डॉलर पर आज वो ट्वेंटी बिलियन डॉलर हैं रेमिटेंस वो कैसे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जितने वो लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ अपने होम कंट्री के साथ इतना कोई लॉयल नहीं है एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि 2010 में अगर इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसेस के तौर पर यानी कि जो बाहर से पैसे पाकिस्तान भेजे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स रियाल, दिरम एंड अदर करेंसीज़ वो थे नाइन बिलियन डॉलर 2017 में थे ये 12.8 बिलियन डॉलर्स और आज की डेट में 25.6 बिलियन डॉलर जो एक आपको 150 परसेंट का बल्कि इनफैक्ट डबल का रिटर्न आपको एक नंबर नज़र आता है ये उनकी वजह से पॉसिबल है तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में उनको मैं स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के जो बाईस करोड़ अस्सी लाख लोग जो पूरे साल में एक्सपोर्ट करते हैं वो बनते हैं अराउंड ट्वेंटी बिलियन डॉलर और जो सिर्फ सेवन मिलियन यानी सत्तर लाख पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में वो बनते हैं ट्वेंटी सिक्स बिलियन डॉलर यानी कि जो बाईस करोड़ लोगों से तीन अरब डॉलर ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भेजते हैं तो उनका राइट बनता है कि वो तमाम चीज़ों के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करें तो ये वीडियो में स्पेसिफिकली मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डेडिकेट करता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी ये इंटरचेंज के हवाले से जो लेटर है उसकी डिटेल्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस लेटर में क्या चीज़ मैंशनड है और इसका मैं आपको बताऊँगा ये कैसे लेटर हासिल किया गया तो आज की वीडियो का जो बेसिकली पूरा मुख्फ़ है वो एक टॉपिक पर जिसका नाम है जो एक लेटर है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते थे और मैं अक्सरों का स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल से इस बारे में लेटर के बारे में पूछता था तो उनको कहते थे हमें पब्लिक करने की इजाज़त और नाम में यह लेटर कभी दिया गया था बट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हमारे ओवरसीज पास्तानियों को जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है जिनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में तो उन्होंने अपने ओन उन पे जब गवर्नमेंट को uh, सिर्फ टेन पाउंड की फीस पे करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत यह लेटर हासिल किया जिन्होंने मुझसे शेयर किया और मैं इसको पब्लिकली अनाउंस करूं यह मैं किसी मार्किटिंग परपज के लिए या किसी प्रमोशनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा यह सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में इतनी बड़ी अमाउंट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया कि नाइन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर से उठ के पाकिस्तान के रेमिटेंसिस पच्चीस में शौकत वो क्लिप आप यूट्यूब पे इजीली सर्च कर सकते हैं जो आ, जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी उसमें उन्होंने में किया तो इसके मैं जो लेटर के पॉइंट्स हैं मैं पढ़ के सुनाता हूँ नंबर वन सबसे पहले स्टार्ट होता है जी स्मार्ट ऊपर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सिंपली एज एड्रेस मैंशन होता है जो तमाम चीजें फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड सिल्वर स्केर प्लाजा जो हेड ऑफिस का एड्रेस है एंड फोन नंबर सबसे पहले सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ provisional acceptance to future development holdings private limited fdhl for housing project named as capital smart city for establishment of interchange at kilometer 332 333 333 एम टू अंडर रेगुलेशन फॉर एक्सेस फ्रॉम एन एच ए नेशनल हाईवे अथॉरिटी कंट्रोल नेटवर्क रेफरेंस योर रिक्वेस्ट फॉर सब्जेक्ट मैटर अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि स्मार्ट सिटी इसको पब्लिकली क्यों अनाउंस नहीं कर रहा है इसके बारे में लेटर के बारे में जो तमाम चीजें हैं मैं आपको डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूं नंबर वन पॉइंट इज पहला बुलेट पॉइंट जो बता है वो बनता है कि दिस प्रोविजनल एसेप्टेंस शेल भी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ टू ईर्स फ्राम द डेट ऑफ इशुएंस द सेम शेल स्टैंड रिवोक्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड के इस लेटर के इशू होने के बाद दो साल के अंदर अंदर स्मार्ट सिटी को अपना इंटरचेंज एम पे अप्रूव्ड हुआ है उसके बारे में उसे कंप्लीट करना है इसके बारे में स्मार्ट सिटी ने डेफिनेटली हैवी चार्जेस पे किए होंगे क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक रोड पर एक्सेस लेने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ फीस देनी पड़ती हैं तो मैं इसका इट्सल्फ गवाऊँ मैंने वो पे ऑर्डर्स भी देखे हुए हैं जो गवर्नमेंट को पे किए गए हैं तो उसके हवाले से कि अगर दो साल के अंदर अंदर इसको नहीं बनाया गया तो इस एन की एक्सपायरी डेट आ जाएगी और इसको वैलिड को कैंसिल कंसिडर किया जाएगा इस जो वैलिड लेटर को कंसिडर किया जाएगा ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था सेकंड पॉइंट इज के प्रोविजनल एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी यूज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल पर्पस एंड बाय बाय एनी मींस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया अनटिल द ग्रांट ऑफ फॉर्मल अप्रूवल इन केस ऑफ एनी वायलेशन 25% एनओसी फी डिपॉजिटेड शैल बी फॉरफिटेड तो आसान अल्फाज में कहूँ तो ये इसकी प्रमोशन की इजाज़त नहीं है इसलिए शायद स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल्स हमें कभी ये लेटर नहीं प्रोवाइड करते थे इसके हवाले से तो ये मैं जो डिटेल्स आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये मुझे स्मार्ट सिटी के ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं प्रोवाइड किए गए मुझे एक ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से प्रोवाइड किए गए तो उनका राइट बनता है जो पाकिस्तान की इकानमी में इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन पुट कर रहे हैं कि यानी कि जो बाईस करोड़ अस्सी लाख लोग जितने पैसे पूरे साल में कमाते हैं उससे भी तीन अरब साढ़े तीन अरब डॉलर ज़्यादा वो पाकिस्तान में सिर्फ सत्तर लाख पाकिस्तानी भेज रहे हैं तो मेरा ख्याल उनका हक बनता है कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट की है तो अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर फॉलोअप मिले कि हाँ उनकी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में यहां स्टैंड करती है तो ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है इस वीडियो में किसी प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा सिर्फ मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूं कि इस लेटर के के आने बाद उनकी इन्वेस्टमेंट कहां स्टैंड करती है जिन्होंने हक लाल की कमाई जो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके बाहर से कमा के पाकिस्तान में भेजे आज की डेट में वो कहां स्टैंड करते हैं तो ये लेटर जो है उस हवाले से बेसिकली तो सेकंड पॉइंट मैं इसकी प्रमोशनल इजोशनल एक्टिविटी है टोटली इसलिए इसको नहीं यूज़ किया जा सकता अच्छा ये बाय द वे लेटर जो है जून का यानी कि जो उनको लेटेस्ट डेट से स्कैन करके उनको गवर्नमेंट की तरफ से सेंड किया गया ये वो लेटर है थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ चेंज ऑफ टाइटल ओनरशिप फ्रेश एन ओ सी शल बी ऑप्टेंड फ्रॉम एन एच ए यानी कि अगर स्मार्ट सिटी की ओनरशिप चेंज होती है यानी हैल ग्रुप याच एल ग्रुप इसको आ, किसी और ग्रुप को सेल कर देता है तो उसके बाद इस एन ओ सी को कंसिडर किया जाएगा कैंसिल इसके लिए दोबारा एन ओ सी ऑप्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम द मेन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज के जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट ये वाला है ये फोर्थ पॉइंट बनता है बल्कि इनफैक्ट फिफ्थ पॉइंट बनता है बल्कि नहीं फोर्थ पॉइंट ये बनता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ लैंड एक्सपेंशन ऑफ सब्जेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सच एडिशन एक्सपेंशन शल बी ऑप्टेंड फ्राम एन यानी कि जो स्मार्ट सिटी का करंट एन है दैट इज सेवन थाउजेंड कनाल इनफैक्ट जो एम अप्रूव होने के बाद जो इंटरचेंज अप्रूव होने के बाद है दैट इज सेवन थाउजेंड सिक्स कनाल आई गेस तो उस एन में अगर लैंड की एक्सटेंशन होती है जैसे अभी सेवनटी थाउजेंड सिक्स की लैंड की जो है एडिशनल एक्वायरमेंट के लिए एन जमा करवाया गया है तो उसके लिए स्मार्ट सिटी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे द तो ये एस पर रूल्स बात बनती है नेक्स्ट इज के एज अंडरटेकन इट इज मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट द ऑब्जर्वेशंस, रिकमेंडेशन एन एच ए स्लैश एच एस से गिवन ऑन ट्रैफिक इंपैक्ट स्टडी जियोमेट्रिक स्टडी एंड हाईवे सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट इन द फाइनल डिजाइन एस्टिमेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज फॉर द अप्रूवल ऑफ एन एच ए इस बात में मैं इस पॉइंट में मैंशन की गई है बात की अगर स्मार्ट सिटी ने कोई भी चीज यानी कि अंडरटेकिंग की बात करते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो एन एच ए के होंगे जो मोटरवे पर सेफ्टी कंट्रोल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए इस जो इंटरचेंज के बायलॉज होंगे उसको फॉलो करना कंपल्सरी है उसको डिनाई नहीं कर सकते

सब पॉइंट से बुलेट पॉइंट्स थे नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग अबव इन व्यू इट इज़ इन इंटीमेटेड टू प्रोसेस अकॉर्डिंगली फॉर कंप्लीशन ऑफ द अबव कंडीशन इन टाइमली मैनर प्लीज यानी कि ऊपर जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं उनके मुताबिक इसको मुकम्मल करना जरूरी है और उस पर जॉइंट सिग्नेचर है दट इज समी खान डायरेक्टर रेवन्यू आर ओ डब्ल्यू और इसमें जो लेटर था यह बेसिकली लिखा गया था जो उन्होंने uh, मेरे क्लाइंट को यह लेटर जो फॉरवर्ड किया गया, गया शरीय भाई को दैट इज फ्राम द जी एम बी ओ टी यानी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर उनकी तरफ से मुकम्ल किया गया राइट टू तो इफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिसे इमरान खान की गवर्नमेंट थैंक्स टू हिम कि उन्होंने एक पास किया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तमाम पाकिस्तान को पाकिस्तान में कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक न्यूज है उसके बारे में जानने का राइट है इसका जो है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को गवर्नमेंट की तरफ सेंड हुआ है तो इसमें तमाम जो इफॉर्मेशन मैंने है, ये गवर्नमेंट की पैटर्न पर ही गिवन है और इसको उसी लिहाज से डील किया जाएगा और बाकी इसमें नीचे एंड पे है कॉपी प्रूफ दिस लेटर इज सेंड टू जी एम बी ओ टी बिल्ड ऑपरेटर यानी कि जो पूरा एम टू इंटरचेंज फॉलो करता है बल्कि सर रीजन में फॉलो करता है और उसमें से फॉलो करना जरूरी है for बाकी for और बाकी फॉर इंफॉर्मेशन एक्शन ऑफ डी आई डी सी एम टू एंड डी डी सी एम टू और बाकी एंड फॉर एन ओ सी कम्स फोल्डर मिस्टर जाहिद यानी जाहिद साहब का जो फोल्डर बना हुआ है जो भी उनकी फाइल होगी उसमें इस लेटर को इन्वॉल्व किया जाएगा शामिल किया जाएगा यह एन एच ए के हवाले से इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा लेटर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे कॉल आती थी बहुत ज़्यादा पूछा जाता था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी कोई पेपर प्रूफ नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए आज की डेट में आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन टू शो दिस लेटर पब्लिकली हालांकि इसको पब्लिकली प्रमोशन बनाया है बट जब गवर्नमेंट ने इट सेल्फ एक हैंड ओवर कर दिया तो वो बायलॉज खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा इसकी बेस पर कोई प्लॉट नहीं बेचता बट एंड ऑफ डे उन क्लाइंट्स हैं उनब्रां को यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ तो उनका राइट बनता है पढ़कर आपको सुना दिया अगला सवाल आता है कि इस इंटरचेंज की किस पॉइंट पर होगी जो इसमें थ्री थर्टी टू थ्री थर्टी ट्री किलोमीटर एट एम टू मोटरवे किस पॉइंट पे होगी और सेकेंड इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टोटल जो लेटर के इशू होने के बाद इसमें टोटल स्मार्ट सिटी के पास ड्यूरेशन है दैट इज टू इयर्स टू इयर्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है इन एनी केस क्योंकि इसकी कंपल्शन है कि आपको टू इयर्स के अंदर कंप्लीट करना है वैसे आमतौर पे स्मार्ट सिटी का जब इंटरचेंज स्टार्ट होगा तो मेरा ख्याल है मेरी जाती राय है आई एम नॉट समन के जिसकी परमानेंटली हर बार ठीक होती हो बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको चार से छह महीने के अंदर अंदर काफी हद तक कंप्लीट कर दिया जाएगा क्योंकि जो एम टू मोटरवे है ये मेन कैपिटल के साथ कनेक्टिंग मोटरवे पूरे पाकिस्तान में से किसी ने भी वफाक में दारकूमत में आना है कैपिटल में आना है उसने ये रोड को यूज करना है या तो आपने उड़ी के आना है पैदल आएं। जैसे भी अपनी रोड क्रॉस करना ही करना है अगर आप जीटी रोड से नहीं आ रहे मोटरवे से आ रहे हैं तो आपको पहुंचना है तो जब यहां पर मुताबिक आप इस रोड को ज्यादा देर तक के लिए क्लोज नहीं रख सकते तो क्लोज नहीं रख पॉसिबल बनाना जरूरी है अब मैं आपको गूगल अर्थ लोकेशन गूगल अर्थ आपको एक्सप्लेन करना कोशिश करता हूं कि पॉइंट होगा ये कहां फॉल करेगा और इंटरचेंज पॉइंट से कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होगी तो उसमें आने वाले दिनों में जो बाकी ब्लॉक्स बने उनके में बाकी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन वीडियो है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो इंटरचेंज होगा इसकी एक्जेट लोकेशन मोटरवे पर कौन से पॉइंट पर बनेगी जो मेरी एक्सपेक्टेड पॉइंट है मेरी एक्सपेक्टेड एक एक्सपेक्टेशन है कि इस पॉइंट बनेगी जो मुझे अभी तक नॉलेज है मोटरवे का क्योंकि हम रेगुलरली ट्रैवल करते हैं एक वीक में शायद दो दफा या तीन दफा ट्रैवल करते हैं लाहौर की तरफ तो हम इसी रोड को यूज करते हैं तो इस रोड पर जो पॉइंट नंबर थ्री थर्टी टू किलोमीटर प्लस थ्री थर्टी थ्री किलोमीटर दरमान जो पॉइंट बनता है वो कौन सा पॉइंट बनता है उसको मैं गूगल अर्थ की लोकेशन की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस वक्त में स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरऑल जो जो मैप है देख सकते हैं इसमें आपको जो ये एरिया ब्राउनिंग हुई नजर आ रही है सारा एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्रीमिसिस में फॉल करता है और इस सारे एरिया में जो डेवलपमेंट हुई है मैं आने वाले दिनों में इसकी प्रॉपर ड्रोन फोटेज के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक पहुँची हुई है बट इन एन एनी केस ये सारा एरिया आपको जो मोटरवे के साथ एडजस्टन नजर आ रहा है इसकी ब्राउनिंग रिसेंट डेज में हुई है जो इंटरचेंज का पॉइंट है बेसिकली ये आपको थ्री थर्टी जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमान बनता है मेरी ये जाती तौर पर एक्सपेक्टेशन है हालांकि स्मार्ट सिटी की मोटरवे के दोनों साथ दोनों साइड पे एडजस्टन लैंड अवेलेबल है एक और बात करते गार्डन का जिक्र किया जाता है कि यहां पे डिस्कवरी गार्डन आएगा तो स्मार्ट सिटी का यहां पे इंटरचेंज यूज करेंगे स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज यूज करने के लिए इनकी परमिशन या एक्सेस होना जरूरी है तो स्मार्ट सिटी आई डोंट थिंक सो कि अभी तक ऐसी को परमिशन दी गई है ऐसा कुछ इजाजत मिली है बट एनी एंड ऑफ द डे ये इस वक्त जो स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज का पॉइंट होगा मेरा ख्याल है कि वो ये थ्री थर्टी टू पॉइंट स्तर के दरमियान में होगा और ये मंदवाल ब्रिज जो बना हुआ है यहीं पर एक्स्ट्रा लूब ऐड होगी इसमें या इस किसी पॉइंट पर भी हो सकती है बट एंड ऑफ द डे जब बनेगी तब इसके बारे में

देख लें किस तरह डेवलप हुआ है, ये वाला एरिया किस तरह हुआ है। ये की मोटरवे को दूसरी साइड पर लें तो डेवलप हुआ है तो एंड ऑफ पे पेस से हो रही है अब मैं आपको थोड़ा मैप को रिवर्स करता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से आइडिया लगा सकें ओवरसीज पाकिस्तानी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आज की डेट में क्या स्टेटस है और तकरीबन दो साल या तीन साल पहले यहां पर क्या स्टेटस था अगर जिक्र करें जी मे में आपके सामने देख सकते हैं जून सॉरी तो ये रॉल एंड जो इनकी लेवलिंग क्या इनकी ब्राउनिंग भी नहीं हुई थी अगर मैं एक इमेज की बात करूं कि जो एक चंद चार महीने गैप पे गैस ये देख लें कितना बड़ा एरिया रॉ लैंड है कितना ज़्यादा बड़ा एरिया बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक आई थिंक ये दस से पंद्रह हज़ार किनाल एरिया होगा गया यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है लेकिन बहुत बड़ा एरिया है जिसकी लेवलिंग पे काम किया गया है इन द रिसेंट फोर मंथ सिर्फ चार महीने के टाइम ड्यूरेशन में कितना काम यहाँ पर हुआ है आपको नज़र आ रहा है मैं आपको दोबारा रिवर्स कर देता हूँ इमेजेस ताकि आपको अच्छी तरह एक आइडिया मिल जाए ये देख लें तब यहाँ पर किसी ने कुछ इन इस लैंड को किसी ने टच भी नहीं किया था तो ये जनवरी ट्वेंटी की इमेजेस हैं इससे बैक जाएँ जुलाई ट्वेंटी में भी देख लेंगे कि कितना पे कितना ओवरऑल काम हुआ था ओवरसीज पे तो आपको काम नजर आ रहा है लेकिन इस साइड पे आपको काम ऐसा नजर नहीं आ रहा अगर थोड़ा सा मजीद रिवर्स जाए मई ट्वेंटी ट्वेंटी में तो यह सारा एरिया सिर्फ ओवरसीज वन का नजर आ रहा है यह आपको जो नेशनल गार्डन की जमीन है वैसी नजर आ रही है आज की डेट में प्राइम ब्लॉक जो है उसकी एग्जिस्टेंस अगर आप देखें तो यह देख लें एग्जिस्टेंस और पुरानी एग्जिस्टेंस देख लें बट एंड ऑफ द डे अभी यहां पे साइड पे डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा हैवी हैवी पेस से जारी है और उसमें मजीद पेस में जो तरह कह लेंगे स्पीड आने के चांसेस हैं क्योंकि एचुरल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है इसमें देखें जी इसमें ट्वेंटी नवंबर में देख लें तो साइड जो थी सिर्फ इस चंद इस ओवरसीज़ वाले पार्ट के अलावा कहीं पे डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आती सिवाय इस छोटे से पैच में ये छोटा सा पैच है ये छोटा सा पैच है ये छोटा सा पैच है ये एक्जेक्टिव ब्लॉक बी है ये ओवरसीज़ प्राइम है ये पहले ऐसी था नेशनल गार्डन के पास जमीन थी आज की डेट में सारी ज़मीन जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की ज़मीन है उससे पास्ट में देख लें जिसमें आता है आपका जी जून ट्वेंटी नाइन्टीन तब आपके सामने इमेजेस सिंह की हालत में था उससे पहले देख लें जी ट्वेंटी नाइनटीन यानी अप्रैल ट्वेंटी नाइन्टीन में आपको डेट ऊपर नज़र आ रही होगी टाइम्स टाइम्स के साथ तब क्या हालत थी फिर उसके बाद देखें जी इलेवंथ सॉरी नवंबर 2018 में साइट की कंडीशन कैसी थी उससे पहले जी सितंबर 2018 में साइट की कंडीशन कैसी थी एंड देन मार्च 2018 में साइट की पोजीशन कैसी थी कि दिट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे साइट पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट विद इन थ्री इयर्स ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा लेवलिंग हुई है ये अगर दिसंबर 2017 में देखें तो यहाँ पे किसी चीज़ की किसी प्रोजेक्ट की कोई एक्जिस्टेंस नहीं थी और यही मैं मैप को आप इस तरह गौर से देखिएगा मैप को मैं सारा मैप को ज़रा जूमआउट कर दूँ ये

पाकिस्तान से किसी भी इंडिविजुअल ने अगर पाकिस्तान में कभी दारुल हुकूमत की शक्ल देखनी है तो उसको यहाँ से गुजरना कंपलसरी है तो ये 6.7 किलोमीटर का जो मोटरवे पे फ्रंट है वो यहाँ गुजरेंगे इसके अलावा जो ये चक्री रोड पर थ्री किलोमीटर का फ्रंट है वो इसको भी यूज़ करेंगे और यहाँ से भी गुजरेंगे तो ये और आपको सेटेलाइट इमेजेस की मदद मतलब से आई होप मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा कि आज की डेट में क्या ओवरऑल स्टैंडिंग है और आने वाले दिनों में क्या स्टैंडिंग होगी मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ट्राई करूँगा जितना इसका कंपैरिज़न अच्छे तरीके से बना सका उतना अच्छे तरीके से बनाऊँ ताकि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली इसके हवाले से तमाम अपडेट इंफॉमेशन मिलती रहे सो so, व्यूज़ uh, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं जितनी uh, डिटेल से जितनी डेप्थ से वीडियो काफ़ी लेंथी हो होगी तो बहुत सारे लोग मैं भी इससे बोर हो रहे हैं तो जिन इंडिविजुअल्स की स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट है उनके लिए तमाम अपडेट्स थी कि आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करती है स्मार्ट सिटी कोई वो प्रोजेक्ट नहीं है जिस तरह एक रूटीन में इस्लाबाद रावलपिंडी की प्रिवेंसीज में आए रोज़ नया प्रोजेक्ट आता है आता है लॉन्च होता है बिकता है फ्रॉड होता है फ्लॉप होता है एंड डूब जाता है खत्म हो जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास हाथ मलने के अलावा जैसे बशीर से साहब कदर से अक्सर जिक्र करते हैं यार मैंने चार पाँच जगह पर इन्वेस्टमेंट की अभी तक मुझे किसी जगह से रिटर्न नहीं मिला तो ये ऐसा तो ना स्मार्ट सिटी ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं होगा तो मैंने इस वीडियो में ट्राई की की एक्सप्लेन करने वैसे आप ओवरऑल इमेजेस देख सकते हैं ये जो पार्क आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा है पार्क के साथ एक आपको डूम रेस्टोरेंट नजर आ रहा है ये पिछले आई थिंक चार महीने या तीन महीने के ड्यूरेशन में बना होगा इस तरह स्मार्ट सिटी की जो पेस है वो आप कहें अनमैचेबल है यानी कि स्मार्ट सिटी की किसी और प्रोजेक्ट से आप स्पीड को मैच बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आपको जो स्कूल नजर आ रहा है ये स्कूल जो है अभी साइड पर कोई इंडिविजुअल पढ़ता नहीं है कोई रहता नहीं है किसी के बच्चे स्कूल नहीं जाते बट स्कूल रेडी है अभी लोग नहीं रहते जुम्मे की निवास पांडे मस्जिद जाए बट साइट है और तमाम जितनी चीज़ें हैं, हैं। अभी पे इस वक्त जाके अगर आप करें, सारा कुछ देख सकते हैं। तो जो कुछ चीजें स्मार्ट सिटी ने कमिट की थी प्रॉमिस की थी वो सब कुछ डिलीवर करने की कोशिश की है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये ड्यूरेशन मैंने आपको तीन साल की गूगल एक्सप्लेन किया है इसमें 2019 के एंड से लेके, 2021, तक पेंडेमिक रहा है यानी कि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम लॉकडाउन रहा है लॉकडाउन के दौरान ये डेवलपमेंट हुई है इमेजिन करें कि अगर ये लॉकडाउन ना होता अगर ये पेंडेमिक कोरोना वायरस ये सारी कोविड सिचुएशन ना ही होती तो ये स्पीड कहाँ स्टैंड करती अभी ये मैं चीजें आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर साइट पर अगर आप विजिट करें साइट पर जाके तो आपको हर रोज जब भी आप साइट पर जाते हैं ना आपको डिफरेंस नजर आता है चूंकि मैं कैमरे के सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं करता आमतौर पर ऑफिस में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वो चीज़ दिखाऊँ लोगों को जिसके बारे में लोगों की इन्वेस्टमेंट है लोगों के इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर नहीं है लोग इन्वेस्टमेंट स्मार्ट सिटी के ऊपर है तो स्मार्ट सिटी के बारे में लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम इफॉर्मेशन मिले कि आज के डेट में स्मार्ट सिटी कहाँ पे स्टैंड करता है इससे पहले कहाँ पर था और ओवरऑल स्मार्ट सिटी की सिचुएशन है वो कहाँ पे किस तरह से स्टैंड करती है उस लिहाज से उनको इन्फॉर्मेशन मिले सो व्यय दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूमा चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज thank